हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 11 इफ़ आई वर यू। पूरा का पूरा हम इसको समझेंगे इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये एक पर्सन के बारे में है जिसका नाम है जिराड। जिराड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। एक लोनली कॉटेज, एक छोटे से घर में, वो काफ़ी अलग, जो बिल्कुल मतलब जंगल टाइप के एरिया होते हैं वहाँ पर अलग सा एक घर होता है ना, तो ऐसी जगह पर जो है जिराड वो रहते हैं। एन इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज। एक इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, जो बिना इजाज़त के किसी के घर में या किसी की प्रॉपर्टी में जाए उसे इंट्रूडर कहा जाता है, घुसपैठिया। तो इंट्रूडर जो कि एक क्रिमिनल था, एक अपराधी था, वो जिराड की कॉटेज में एंटर कर जाता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जिराड एंड टेक हिज आइडेंटिटी। डज ही सक्सीड। तो वो क्या करना चाहता है, जो वो इंट्रूडर होता है, वो एक क्रिमिनल होता है, उसने काफ़ी ज़्यादा क्राइम कर रखे होते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी लेकर के तो रह नहीं सकता। तो वो सोचता है किसी जो अलग 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 तरह से रहने वाला कोई अकेला इंसान है उसको वो मार देगा और उसकी जगह उसके नाम से रहने लगेगा। तो एन इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज। उस एक इंसान की कॉटेज में एक घुसपैठिया घुसाता है जो कि क्रिमिनल होता है, वो चाहता है कि वो जिराड को मार देगा और उसके नाम से ज़िंदगी अपनी बिताने लगेगा। तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाता है, यही इसके बारे में पूरी की पूरी हमारी स्टोरी ये है। कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। कल्चर्ड, कल्चर्ड का ऐसा है पर्सन जो जैसे कि वहाँ के तौर तरीकों को सही तरीके से फॉलो करता है। काउंट ऑन अननेसेसरी एंड यूजुअली हार्मफुल, जो हार्मफुल चीज़ होती है। एंगेज का मतलब होता है किसी चीज़ में घुलना मिलना, एंगेज करना। फिर यहाँ पे डॉच, डॉच का मतलब होता है मतलब डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पे डिपेंड करना। तो ये सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं। अ डैंडी बस, डैंडी बस जो है यहाँ पर इसका मतलब होता है ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है जाल। और ये सारे हम लोग आगे मतलब देखते रहेंगे। और यहाँ पे ये देखिए एक और वर्ड है, मेलोड्रामेटिक, सोफिस्टिकेटेड या फिर वेल मैनर्ड, जो अच्छे से बिहेव करते हैं। अब सीन क्या चल रहा है, देखिए सीन है अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। एक छोटी सी कुटिया टाइप की है, एक छोटा सा घर है, उसके अंदर की तरफ है ये सीन, उसमें चल रहा है। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड। फिर एक पीछे की तरफ से एंट्रेंस है, ये प्ले टाइप का है तो इसलिए हमें डायलॉग के फॉर्म में हम इसमें पूरा देखेंगे। तो देयर इज़ एन एंट्रेंस, एक घुसने का दरवाज़ा था जिस पे कर्टेन लगाए, मे बी जिस पे पर्दे लगे हुए हैं। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर। दूसरा डोर जो कि उस बंद से पीछे के दरवाजे के साइड में है, लेफ्ट में है, वो प्रैक्टिकल डोर है, मतलब जिससे आना जाना ज़्यादा होता है। द फर्नीचर इज सिंपल, सिंपल सा फर्नीचर है, कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, अच्छे और टू दीवान रादर देन अपस्टेज ऑन द राइट ऑन द टेबल और टेलीफोन। तो टेलीफोन, दीवान मतलब छोटा सा एक रूम है, उसके बारे में हमें पूरा का पूरा बता रखा है। देखिए ये जो रूम है, टेबल है, फिर यहाँ पे दीवान है, लैम्प है, इंसान है और एक क्रिमिनल है, ये जिराड है जिनका घर है। तो फिर क्या है कि मतलब कर्टेन उठता है और जिराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फ़ोन कॉल। तो जिराड जो है वो टेबल के पास होते हैं और फ़ोन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो मीडियम हाइट के इंसान हैं और हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, मतलब देखिए उन्होंने चश्मा पहन रखा हुआ है, ये देखिए चश्मा पहन रखा है। और फिर उसके बाद ही ड्रेस्ड इन अ लाउज सूट एंड अ ग्रेट कोट, हिज वॉइस इज कल्चर्ड, मतलब अच्छे खास से कपड़े पहन रखे हैं, आवाज़ और बोलने का तरीका भी कल्चर्ड है, अच्छा है। जिराड बोल रहे हैं, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय। तो मतलब जिराड जो है ना अभी मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि मैं मतलब किसी जगह जाने की, मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ 10 मिनट में, इस तरीके की वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, और फिर फ़ोन रख देते हैं और जैसे ही वो दीवान की तरफ जो लेफ्ट में पड़ा होता है उसकी तरफ जाते हैं। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पर एक बैग रखा होता है, एंड स्टार्ट पैकिंग, और पैकिंग करना अपनी वो स्टार्ट कर देते हैं। वाइल्ड ही इज़ दस एंगेज्ड, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू जिराड एंटर फ्रॉम द राइट साइलेंटली। फिर जिराड जो है वो अपनी बैग की पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं और फिर राइट साइड से, जो कि जिराड जैसा ही हाइट में हेल्थ में होता है, वो राइट साइड से एक आदमी एंटर करता है बिल्कुल चुपचाप से।
रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में पिस्टल होती है, पिस्तौल होती है, बंदूक होती है, रिवॉल्वर. ही इज फ्लैशिंगली अरेस्ट ड्रेस्ड इन एन ओवर कोट एंड अ सॉफ्ट हैट. और वो देखिए इस तरीके की ड्रेस होती है, ओवर कोट मतलब जो कोट लंबा सा कोट होता है, और उसने एक हैट पहनी हुई होती है. ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और वो मतलब बम्प का मतलब होता है टकरा जाता है वो इंसान टेबल से. एंड एट दैट साउंड जिरान टर्न क्विकली, और फिर जैसे ही वो आवाज़ होती है तो जिरान एकदम से पीछे पलट करके देखते हैं. जिरान प्लीजेंटली बोलते हैं, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, तो वो कहते हैं कि मतलब कैसे ये कैसा सरप्राइज़ है मिस्टर, जानते नहीं है ना. तो इंट्रूडर बोलता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप. फिर वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा, इंट्रूडर जो घुसपैठिया या आप क्रिमिनल बोल सकते हैं, वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मुझे देखकर अच्छा लगा है, बट तुम्हें ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं लगेगा. और ये जो तुम्हारे पॉज हैं, पॉज होते हैं तो आपके हाथ होते हैं ना, हाथ का जो पंच, नहीं देखिए हाथ है जो भी है, तो मेंढक का हाथ लग रहा है, हाँ, तो आपके हाथ, वो कहते हैं ना हाथ ऊपर कर लो, तो वही पॉज आप हाथ ऊपर कर लो. फिर जिरान बोलते हैं, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स. वो कहते हैं तो बड़े मेलोड्रामा, बड़ा नौटंकी टाइप के चल रही है, ओरिजिनल सा तो ये नहीं लग रहा है. परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद. फिर इंट्रूडर बोलता है, ट्राइंग टू बी काम इन मतलब फिर काम होने की कोशिश करता है, आराम से रुकता है, सुनता है जिरान की बात को. फिर जिरान बोलते हैं, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक. फिर वो कहता है, जो तुम वर्ड सोचने की कोशिश कर रहे हो वो है नॉनचैलेंट. नॉनचैलेंट मतलब कि ये क्या हो रहा है, इस तरीके से वो बात करने की कोशिश कर रहा होता है इंट्रूडर. फिर इंट्रूडर बोलता है, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो फ्यू थिंग्स. फिर वो कहता है इंट्रूडर कि जो तुम अभी इतना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो ना, ये थोड़ी देर तक ही तुम स्मार्ट बन सकते हो, और थोड़ी देर बाद तो तुम क्रॉल करोगे मतलब गिड़गिड़ाओगे, और मतलब एक तरह से गिड़गिड़ा रहे होगे मेरे सामने. आई वॉन्ट टू नो फ्यू थिंग्स, पहले बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ. जरार बोलता है, एनी थिंग यू लाइक, आप जो जानना चाहते हैं मैं वो आपको बताऊँगा. आई नो ऑल द आंसर्स, मेरे पास हर चीज़ का आंसर है, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन. फिर वो कहता है, बट जिस इससे पहले कि आप क्वेश्चन करो मैं आंसर दूँ, बट मैं अपनी पोजिशन थोड़ी चेंज करना चाहता हूँ. यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट. वो कहता है कि आप कम्फर्टेबल होंगे बट मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ. इंट्रूडर बोलता है, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मतलब वहाँ बैठ जाओ और मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर मोशन होती है, मतलब बैठता बैठता है वो सब है. नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ. फिर इंट्रूडर बोलता है, अब हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे. जिरान बोलता है, एट अ लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. फिर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता हूँ, तुम सुनना चाहते हो तो. नाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई जिप्सीज, जब मैं छोटा था तो मुझे जिप्सियोज ने मतलब चुरा लिया था. एंड वॉज एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज. और जब मैं छोटा था तो मेरे को जिप्सियों ने जो है स्टोल कर लिया था, और अब मैं 32 का हूँ और मैं खुद को पाता हूँ इस कॉटेज में. इंट्रूडर बोलता है, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन. इंट्रूडर बोलता है, ये सारी बातें तुम अपने साथ रखो और मेरे क्वेश्चन का आंसर करो. यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू. तो वो कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अकेले रहते हो. इंट्रूडर खुद ही आंसर कर देता है. फिर जिरान बोलता है, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर. फिर वो कहता है कि जिरान की ये तो तुम मुझे बता रहे हो, मुझसे कह तो नहीं रहे हो, मतलब मेरे से पूछ नहीं रहे हो, ये तो तुम मुझे बता रहे हो ना कि मैं अकेला रहता हूँ. जिरान काफ़ी थोड़ा स्मार्ट पर्सन होता है, वो काफ़ी स्मार्टली पूरी मतलब भयंकर सी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है. इंट्रूडर बोलता है इम्फेसिस के साथ, डू यू लिव हियर अलोन. तो जिरान बोलता है, एंड इफ आई डोंट आंसर. तो इंट्रूडर बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, क्वेश्चन करो इस मतलब क्वेश्चन का आंसर दो. जिरान बोलता है, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना दूँ तो तुम क्या करोगे. इंट्रूडर बोलता है, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट. तो इंट्रूडर ये बोलता है कि तुम्हें इतना सेंस तो है कि तुम खुद को हर्ट नहीं करना चाहते होगे, है ना, ये तो तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ. तो जिरान बोलता है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेरे डिज़ायर टू डू सो. वॉट डू यू थिंक. फिर जिरान बोलता है, गुड सेंस तो इसी में होता है कि अपने पेन को हम लोग अवॉइड कर सकें, अपने दुख को, अपने दर्द को
दूर कर सके, अवॉइड कर सके, इसी में ही तो होशियारी होती है। आपको भी यही लगता होगा ना। इंट्रूडर बोलता है, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेराड, व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम्स। फिर इंट्रूडर्स का एकदम से मिस्टर करके पूछ रहे होते हैं। देखो जेराड यहाँ पे पूछता है, मिस्टर आपका नाम क्या है, तो इंट्रूडर बोलता है कि मेरे नाम से तुम्हें क्या लेना है, मुझे तुम्हारा नाम पसंद है मिस्टर जेराड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा और मतलब दूसरा नाम क्या है, मतलब पूरा नाम पूछ रहा होता है। तो जेराड बोलता है विंसेंट चार्ल्स, वो विंसेंट चार्ल्स बोलता है कि मेरा नाम विंसेंट चार्ल्स है। इंट्रूडर बोलता है डू यू रन अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, तो जेराड बोलता है कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो इंट्रूडर बोलता है कि दैट्स अ लाई, ये तो मतलब झूठ है, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम एक बेवकूफ के साथ बात नहीं कर रहे हो, आई एम एज स्मार्ट एज यू आर एंड स्मार्टर, मैं तुमसे मतलब तुम्हारे जितना ही होशियार हूँ बल्कि तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ, एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। फिर वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास गाड़ी है और इसलिए मतलब वाइज गाय ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश हो तुम करो मत। ये इंट्रूडर घुसपैठिया जेराड से बोल रहा होता है। जेराड बोलता है यू आर अमेरिकन एंड इज दैट मर्सी अ क्लेवर इमिटेशन, तो मेरे लिए क्लेवर इमिटेशन, तो हाँ मतलब जेराड बोलता है कि तुम अमेरिकन हो और ये क्या है मेरे लिए सिर्फ एक क्लेवर इमिटेशन है, क्या मतलब तुम नाटक ही करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे पास कार है और नहीं है, इस तरीके की होता है ना एक बात को दोबारा से बोलना, वो इमिटेशन होता है। इंट्रूडर बोलता है लिसन दिस गन्स नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बिना मारे ही नुकसान पहुँचा सकता हूँ, ये जो मेरे पास गन है ये खुलौना नहीं है, इसलिए जो आंसर्स जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर तुम सही तरीके से दे दो, और मतलब तुम सही तरीके से दे दो वरना मैं सही आंसर्स तो निकलवा ही सकता हूँ। जेराड बोलता है ऑफकोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर। फिर वो कहता है कि अगर तुम इस तरीके से मतलब गन दिखा करके बात करोगे तो मैं मतलब सही आंसर दे ही दूंगा, तो हाँ मेरे पास कार है और वो गैराज में है कॉर्नर पे। इंट्रूडर बोलता है दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। फिर वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, कार तो है तुम्हारे पास, क्या लोग यहाँ पर आते हैं, तो जेराड बोलता है वेरी रेयरली, बहुत कम, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। तो फिर वो बोलता है कि हाँ आते हैं बट बहुत ही कम लोग हैं जो परेशानी उठाते हैं यहाँ तक आने की, ट्रबल होता है परेशानी, सरप्राइजिंगली फ्यू, हाँ ये हो गया, देयर इज़ द बैंकर द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। फिर वो कहता है कि हाँ कुछ लोग बैंकर आते हैं, ग्रीन ग्रोसर सब्जी बेचने वाले आते हैं, दूध देने वाला आता है, मगर नो वन इज़ क्वाइट चार्मिंग, कोई इतना अच्छा नहीं है जितने तुम स्मार्ट हो। इंट्रूडर बोलता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मेरे को पता लगा है कि तुम ट्रेड्स पीपल मतलब ट्रेडिंग वगैरह और व्यापारी लोगों से तुम नहीं मिलते हो कभी भी। तो इंट्रूडर जेराड बोलता है यू सीम टू हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तो जेराड बोलता है मतलब तुमने कंसिडरेबल ट्रबल उठा लिया मेरे बारे में, तुम्हें काफ़ी कुछ पता है, और क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे, यू आर बीन सो मॉडेस्ट, मतलब तुम बहुत अच्छे रहे हो, मतलब तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, सब कुछ मेरे बारे में ही बात करे जा रहे हैं। इंट्रूडर बोलता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम एंड दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ और तुम क्या खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हो, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट मैं हूँ, तभी मैं तुम्हारे घर में इस टाइम यहाँ पर पहुँचा हूँ। जेराड बोलता है एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, आई डिडेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। फिर वो कहता है कि प्रिसाइजली अच्छे से बताओ कि तुम कहाँ पहुँचे हो, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत है नहीं मेरी एक छोटी सी कॉटेज तक पहुँचने के लिए आने के लिए। इंट्रूडर बोलता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वोंट बी प्लीजेंट सरप्राइज। फिर वो इंट्रूडर घुसपैठिया बोलता है कि जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्यों इस कॉटेज में आया हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो एक प्लीजेंट एक अच्छा सरप्राइज नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो जेराड बोलता है With you figuring so largely in it,
that is undesirable. By the way, what particular line of crime do you embrace or aren't you a specialist? तो जिराट बोलता है कि क्या तुम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ये मेरे को समझ में आ रहा है, मगर क्या तुम मतलब कौन सा क्राइम तुम करते हो, कोई एक पर्टिकुलर क्राइम करते हो, स्पेशलिस्ट हो या कोई भी क्राइम, कोई भी वो जो है गुनाह या फिर कुछ भी आप कर ले, कुछ भी तुम कर लेते हो। तो जिराट इंट्रूडर से पूरा पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कौन है और क्या उसका मकसद है, क्या वो करना चाह रहा है, पूरी बातें निकलवाने की जिराट कोशिश कर रहा होता है। इंट्रूडर बोलता है माई स्पेशलिटी इस ज्वेलरी रॉबरी, मेरी स्पेशलिटी है कि मैं जेवर जुराता हूँ, ज्वेलरी जुराता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, मतलब तुम्हारी जो कार है मेरे लिए एक ट्रीट हो जाएगी, एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी और वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी मेरे लिए। जिराट बोलता है आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, तो वो कहते हैं ज्वेल्स तो नहीं है और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, मतलब वो कहते हैं कि यहाँ पे पास कुछ ज्वेलरी वूलरी तो है नहीं। इंट्रूडर बोलता है सो आर द कॉप्स, और जो है पुलिस वाले भी बहुत दूर हैं। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, वो कहता है कि कुछ समय के लिए यहाँ से पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। कॉप जो है ना यूएस में, अमेरिका में कॉप का मतलब पुलिस को कॉप बोलते हैं, तो कॉप भी बहुत दूर है और यहाँ पे मैं रिटायर कर सकता हूँ इस जगह तुम्हारी कॉटेज में कुछ समय के लिए, बहुत ही आराम से यहाँ रह सकता हूँ। जिराट बोलता है यू मीन टू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, अ ट्रिफल सडन इजेंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। तो एक कहता है कि तुम, जिराट बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, ट्रिफल है मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने तो तुम्हें यहाँ रहने के लिए इन्वाइट नहीं किया है। इंट्रूडर बोलता है यू वोंट बी हेयर लॉन्ग, तुम ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रहोगे, सो आई डिडेंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने तुमसे पूछा नहीं की कोशिश नहीं की, नहीं चाह पूछने की, क्योंकि तुम ज़्यादा समय तक तो यहाँ मेरे साथ रहे रहोगे नहीं। जिराट बोलता है व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाह रहे हो तुम। इंट्रूडर बोलता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, तो कहता है यही तो तुम्हारा सरप्राइज है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिराट बोलता है अ लिटिल हार्श इज़न्ट इट, मतलब ये तो काफ़ी खराब सी बात है ना। इंट्रूडर बोलता है या आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, फिर कहता है कि हाँ ठीक है मैं सॉरी हूँ इस बात के लिए, बट ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। फिर जिराट बोलता है वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टॉकिंग, फिर जिराट बोलता है कि मतलब इतने तुमने क्राइम्स कर रखे हैं, इतना ग्रेव और क्राइम तुम्हें अपने और जो तुमने इतने सारे क्राइम कर रखे हैं उसमें तुम्हें उसको ऐड क्यों करना है। जिराट उससे बोलता है, फिर इंट्रूडर बोलता है आई एम नॉट टॉकिंग इट फॉर फन, मैं मजाक करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। फिर वो कहते हैं कि मतलब मेरे को बहुत समय से पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं और मेरे को वैसे भी मेरे पे मर्डर का चार्ज है और मेरे को दूसरे मर्डर के लिए तो दो बार तो ये लटका नहीं सकते हैं। जिराट बोलता है यू आर प्लानिंग अ ग्रैटिट्यूअस ट्रबल सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू गेन। फिर वो कहता है ठीक है ये जो तुम काम कर रहे हो तुम्हारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, बट ये तो सोचो तुम मुझे मार के तुम्हारे पास पाने के लिए भी क्या होगा। इंट्रूडर बोलता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मेरे पास आज़ादी होगी पाने के लिए, एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मतलब मैं तो एक पुअर हंटेड मतलब ऐसे ही भटकने वाला आदमी हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स जेराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेज एंड डू नथिंग, और विंसेंट के तौर पर जो चार्ल्स जो हैं, विंसेंट चार्ल्स जेराड के तौर पर मैं कहीं भी जाने के लिए फ्री होऊंगा, अभी तो मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ कॉप, और मैं आराम से सो सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ बिना किसी डर के कि एक जब कॉप मुझे देखेंगे तो मार देंगे। जिराट बोलता है आई एम मेलोड्रामस, द विलन इज फूलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर। तो बोलते हैं इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलन इज फूलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, वो कहता है कि तुम ज़्यादातर जो मेलोड्रामास होते हैं उसमें विलन बहुत देर तक जो है वो काफ़ी देर तक मरने के लिए रुका रहता है। यू आर मच लकियर, तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो इस मामले में। इंट्रूडर बोलता है आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, कि मेरे पास हर चीज़ के लिए एक रीज़न है,
तो इंट्रूडर बोल रहा होता है आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, मेरे को विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बात करता है. नाउ आई नो, अब मुझे पता है दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, ये जो पॉश स्टफ है जिस तरीके से तुम पॉश पॉश होता है बहुत ही अमीरों की तरह बोलते हो, दिस इज़ मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग पेंटोमाइन और मतलब फ़ोन पे जो बात कर रहा होता है. एंड दैट्स नॉट ऑल, नाउ टेक अ लुक एट मी, फिर वो कहता है कि यही काफ़ी नहीं है, मेरी तरफ देखो. जेरार्ड बोलता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम अच्छे से नहीं मतलब तुमने कपड़े वपड़े पहन रखे हैं ये सब. इंट्रूडर बोलता है नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट. तो इंट्रूडर बोलता है कि मेरे को बस थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े पहनने हैं, स्पेक्स पहनने हैं और फिर मैं तुम्हारे जैसा ही बिल्कुल लगने लगूंगा. जेरार्ड बोलता है व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या लोग तुम्हें पहचान जाएंगे अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे. इंट्रूडर बोलता है दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन, तो वो सब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कपड़े मुझे आराम से फिट हो जाएंगे. जेरार्ड बोलता है दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, ठीक है ये सब बट जो मैं रिमार्क करना चाह रहा हूँ वो तो तुमने मिस कर दिया. आई सेड यू आर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामिक विलन्स, इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न. फिर वो कहता है कि मेलोड्रामिक जो विलन्स होते हैं उनसे ज़्यादा तुम लकी हो, क्यों? क्योंकि तुम मुझे मार के कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है. इंट्रूडर बोलता है सो दैट्स वॉट यू थिंक, तो यही तुम सोचते हो. जेरार्ड बोलता है यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, तुम मुझे जाने दो और तुम भगवान को शुक्रिया अदा करोगे कि तुमने मुझे नहीं मारा. इंट्रूडर बोलता है कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी. इंट्रूडर बोलता है कि भाई जल्दी से बोलो जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, इन बातचीत से मैं बोर हो रहा हूँ. जेरार्ड बोलता है योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी, तुम्हारा आइडिया जो है तुम मुझे मारना चाहते हो वो इसलिए क्योंकि तुम पुलिस से इल्यूट करना चाहते हो, इल्यूट का मतलब होता है बचना चाहते हो और मेरी आइडेंटिटी लेना चाहते हो, है ना. इंट्रूडर बोलता है येस आई लाइक द आइडिया, यही मेरा आइडिया है. जेरार्ड बोलता है बट यू आर श्योर इज गोइंग टू हेल्प यू, बट क्या तुम्हें पता है इससे तुम्हारी कोई मदद होने वाली है या नहीं. इंट्रूडर बोलता है नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट ऑल दिस प्लान्ड, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज. तो बोलता है कि मैं शहर में नौकरी करता था बट मेरे से एक पुलिस वाला मारा गया और तब से पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, तब से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ. जेरार्ड बोलता है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग इज ब्रॉट यू, और ये जो डॉजिंग तुम इधर उधर भाग रहे हो, इधर उधर ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें यहाँ लेकर क्या आई है. इंट्रूडर बोलता है इट ब्रॉट मी एलिसबरी जेल, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, सॉरी चलिए एल्सबरी जगह है और वहीं पर मैंने तुम्हें कार में देखा था. टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दूसरे लोगों ने भी तुम्हें देखा और बात करने लगे. आई लिसन, इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, और ऐसा लगता है तुम थोड़े अजीब से हो, थोड़े मिस्ट्री टाइप के पर्सन हो. इंट्रूडर ने यह बोला. जेरार्ड ने बोला मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, वो कहता है मिस्ट्री जो कि अब मैं तुम्हें बताने चाहता हूँ, बताने वाला हूँ. इंट्रूडर बोलता है योर फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, दोज आर थिंग्स जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ द लकीस्ट ब्रेक्स. फिर जो बोलता है तुम जाते हो फ़ोन कॉल करते हो और बस इसके अलावा तुम क्या ही करते हो, तुम्हारे बारे में जानना ही थोड़ा अच्छा लगेगा. जेरार्ड बोलता है अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन द क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, तो तुमने ये तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्लोक ऑफ मिस्ट्री, क्लोक होता है एक कपड़ा जिससे कुछ ढका जा सकता है, तो मैं क्लोक इस मिस्ट्री में, मिस्ट्री होती है पहेली या फिर मिस्ट्री पहेली नहीं, पहेली तो रिडल होती है, मिस्ट्री होती है जिसको सुलझाना मुश्किल होता है ना, तो ये ऐसी मिस्ट्री मेरे साथ क्यों है ये तो तुम्हें पता ही नहीं है. तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आगे भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है जो आगे का पार्ट बचा हुआ है, फिर हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, है ना. मतलब ज़्यादा तो नहीं है बट ये वीडियो और काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर ये भी इसमें देख लेंगे, तो दो पेजेस का है, थोड़ी मिस्ट्री भी आपको बनी रहनी चाहिए कि क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें. कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. थैंक यू.